गाइस ये देखो हमारे सामने है दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सीक्रेट टनल्स, और आप लोग इसके अंदर कभी भी नहीं गए हो मेरे को पता है। और यार ये देखो यहाँ पे मैं और नूब और एलेक्स एंड मेरे दो दोस्त और साथ में हैं, एंड हम सब लोग इनके अंदर जाने वाले और देखने वाले कि इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है। भाई मेरे को लगता है ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ग्रैनी भी है भाई, ग्रैनी। सो देखते हैं भाई लास्ट में क्या होता है, वीडियो को इस एंड तक वॉच करते रहो। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं गाइस किसके अंदर जाएं, पहले वेट करते हैं। जहाँ पे ये लोग जाएंगे वहीं पे हम लोग जाएंगे। ये लोग अभी, ये तो गए डायमंड के अंदर भाई, लेकिन डायमंड में ऐसा क्या है पता नहीं यार, डायमंड में ऐसा क्या है। अभी सबके सब इसी के अंदर जा रहे हो क्या भाई? कुछ कोई तो मेरे साथ आओ, फटाफट मेरे साथ तो आओ। ओके तो ये लोग मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ पे है एलेक्स? इसके अंदर। तो चलो हम लोग जा रहे हैं गाइस इसके अंदर। भाई मेरे को इसका नाम नहीं पता है, ये एक मॉन्स्टर है। सो देखते हैं भाई क्या होता है, ये हमको मिलता है या फिर नहीं। सो लेट्स गो। सो गाइस ये देखो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और वो मॉन्स्टर हमको यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो हमको आगे चल के दिखाई देगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो आगे हो। यहाँ पे लावा पड़ा हुआ है गाइस, एंड यहाँ पे काफ़ी अजीब जगह है भाई। ये लगता है ये जगह पूरी टूट फूट रखी है। और यहाँ पे ये क्या है एलेक्स? और भाई यू तूने क्या ढूंढ लिया भाई? ओह वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है एलेक्स, ये देख। मतलब निगरानी के लिए कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, समझ गया मैं भाई। मतलब कोई बहुत चालाक बंदा यहाँ पे रहता है। सो यहाँ पे देख डोर खोल चुका है, चलो इसके अंदर चलते हैं एंड चेक करते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन है भाई। कोई ना कोई तो पक्का होगा यहाँ पे। हेलो भाई, कोई है क्या यहाँ पे? अगर कोई है तो बाहर निकल के आओ। एलेक्स ये देख यहाँ पे रास्ता है। ओ एलेक्स ये देख, ये कोई बंदा है यहाँ पे, और ये तो वही है जो बाहर यहाँ पे मतलब फोटो पे था ना, हाँ, जिसके अंदर हम लोग आए हुए हैं सीक्रेट टनल के अंदर, ये वही है। ओ माई गॉड गाइज वो हमको मिल चुका है, लेकिन वो जेल के अंदर क्यों बंद है यार? एंड हमको यहाँ पे एक बुक मिली है, इसमें लिखा हुआ है SCP-173। वॉट, ये एक SCP-173 है गाइज, मतलब ये एक टाइप का घोस्ट है, भूत। भाई अब क्या करें यार, ये एक भूत है, हम लोग गलत जगह आ चुके हैं एलेक्स, कुछ कर यार। अगर ये वहां से बाहर निकल गया ना तो फिर तो ये हमको जान से मार देगा एलेक्स, अब क्या करें यार, कुछ करना पड़ेगा हमको, कहीं वो बाहर ना निकल आए। माय गॉड वो बाहर निकल चुका है वहां से। एलेक्स और नू भागो यहां से यार, भागो यार तुम लोग, वरना मर जाओगे, बात तो मानो मेरी, जल्दी भाग लो यहाँ से, यहाँ से भागने का टाइम हो चुका है, जल्दी यहाँ से भागो नूब, वरना ये हमको भाई जान से मार देगा। भाई वो वहाँ से बाहर निकल के आ चुका है, और मुझे पता है कि वो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक भूत है भाई, मैं उसके बारे में जानता हूँ बहुत पहले से, वो तो मैंने उसको देखा नहीं था बहुत दिनों से, इसलिए मैं भूल गया था। भाई ये एक खतरनाक सा SCP है, मतलब गाइस जल्दी भागो यहाँ से, एलेक्स और नू फटाफट जल्दी भागो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओबे ये तो हमारे पास में आ चुका है, कहीं नूप को मार ना दे, जल्दी निकलते हैं यहाँ से भाई। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी निकलते हैं। लेकिन पोर्टल कहाँ पे? वेट भाई ये तो हमारे पास में खड़ा हुआ है, माय गॉड अब क्या करूं। लेकिन वेट गाइस ये हमको मार नहीं रहा है, अब हमारे पास एक आइडिया, चलो इसको लावा के अंदर गिराते हैं। हाँ भाई नूब तू फटाफट इसको लावा के अंदर गिरा दे, ताकि लावा के अंदर गिर के मर जाए, तो फटाफट इसको तू गिरा दे, और मैं और एलेक्स यहाँ से निकलने का इंतजाम करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से निकलें तो निकलें कैसे यार, कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है, और हमें गाइस अभी दूसरे पोर्टल में जाना है यार, ताकि हम लोग वहाँ पर दूसरी सीक्रेट टनल के अंदर जा पाएँ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले ढूंढना पड़ेगा एक पोर्टल। वैसे ये हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? हेलो ब्रदर, हेलो भूत, आप हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपको कोई बीमारी हो गई है? पता नहीं यार ये हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम पे अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई हाँ मैं समझ गया, आई थिंक इसकी पावर्स खत्म हो चुकी हैं इसीलिए अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो नूब है वो कुछ तो कर रहा है भाई। अरे वाह नूब भाई, तू इसके लिए ट्रैप बना रहा है, मार दे भाई नूब उसको, मार दे, तू बहुत ही होशियार है ब्रो, मार दे इसको। ओके तो गाइस यहाँ पे नूब इसको मारने की कोशिश कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि नूब इसको इजीली मार देगा, क्योंकि ये नूब यार जल्दी भागो यहाँ से, पोर्टल बनाओ फटाफट जल्दी से। ओके नूब पोर्टल मिल चुका है हमको, फटाफट चलो भागते हैं यहाँ से, जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि उसके अंदर जान आ जाए, लेट्स गो। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हम लोग दोबारा वहीं पर आ चुके हैं,
और भाई यहाँ पर आने के बाद हमको बहुत सुकून मिल रहा है और ये लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं डायमंड देकर, भाई बहुत ही बढ़िया दोस्तों। लेकिन अब हम लोग जाने वाले हैं किसी दूसरी टनल के अंदर, लेकिन ये सब लोग जा रहे हैं इसके अंदर जो कि एक केमिकल फॉर्मूला। लेकिन हम लोग जाएंगे गाइस, हम लोग कहाँ पे जाएं भाई, हम लोग इसके अंदर जा चुके हैं। ओके तो ये तो हो चुका कंप्लीट, लेकिन अब हम लोग किसके अंदर जाएं ये समझ में नहीं आ रहा है गाइस। सो किसके अंदर, ओके तो शायद हमको जाना पड़ेगा ग्रैनी के अंदर। सो लेट्स गो। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फाइनली ग्रैनी के अंदर, और आपको तो पता ही होगा कि ग्रैनी कितनी खतरनाक चीज है यार। ग्रैनी तो बहुत ही खतरनाक होती है। ओ भाई कोई था ऊपर गाइस, गाइस कोई था यहाँ पे, मैंने देखा उसने झांका था यहाँ से और अब वो गायब हो गया। यार वो कोई था यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस। यार आप लोग मान नहीं रहे हो बट कोई था यहाँ पे, कोई बात नहीं वो गायब हो चुका है। वेट वो वहाँ पे कोई है यार, कोई था वहाँ पे भाई, मैंने देखा यार गाइस वहाँ पे कोई था। यार ये मेरे साथ ही क्या हो रहा है यार, नूब और एलेक्स तो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ। भाई कोई था यहाँ पे यार, आई थिंक वो ग्रैनी ही थी, लेकिन वो गायब कहाँ हो जा रही है। ग्रैनी तुम जहाँ भी हो मेरे साथ। ओ ये क्या है, ये तो हीरो ब्रैन है। हेलो हीरो ब्रैन सर। अच्छा तो हीरो ब्रैन हमको डर पा रहा था। भाई बेटा तुम हमको डराओगे बेटा। लो हीरो ब्रैन सॉरी, हीरो ब्रैन प्लीज मेरे को माफ कर दो प्लीज, सॉरी सर सॉरी, मेरे से गलती हो गई यार। कहीं हीरो ब्रैन मेरे से बुरा ना मान जाए, और अगर हीरो ब्रैन एक बार बुरा मान गया तो भाई समझ लो कि हमारा खेल खत्म है। लेकिन हीरो ब्रैन हमसे बुरा नहीं माना है। सो टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। सो लेट्स गो दोस्तों। सो गाइस आप लोग देख सकते हो एक बार फिर से हम लोग वहां से वापस आ चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ग्रैंड तो मिली नहीं, लेकिन हमको हीरो ब्रैंड मिल चुका है जो कि हमको फ्री फोकट में मिल चुका है। इसका कोई काम तो यहाँ पे है नहीं। ओके तो इसने ग्रैनी को गायब कर दिया है, बहुत ही बढ़िया ब्रो। सो अब टाइम आ चुका किसी और के अंदर जाने का, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ओके तो ओ फोर्टनाइट, व्हाट फोर्टनाइट क्या होता है भाई। ओ हाँ ये तो गेम का नाम है गाइस फोर्टनाइट, तो क्या हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। सो हम लोग कहाँ पे जाएं भाई, मैं कंफ्यूज हूँ। अबे हम लोग कहाँ चलें दोस्तों, बताओ मेरे को प्लीज। सो चलो चलते हैं यहाँ पे, ये एक केमिकल लैब है। सो लेट्स गो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सो हम लोग आ चुके हैं दोस्तों केमिकल लैब के अंदर, और मेरे को लगता है कि केमिकल लैब के अंदर केमिकल लोचा होने वाला है। मतलब ओ तो हमारे साथ हीरो ब्रैंड भी आया हुआ है, मतलब अगर कोई बड़ी यहाँ पे दिक्कत आती है तो हीरो ब्रैंड हमारी हेल्प करेगा। वाओ तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। सो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की लैब है, चलो इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर ये कोई यहाँ पे मरा पड़ा है, लेकिन इसको मारा किसने होगा भाई मुझे नहीं पता। एंड यहाँ इस पूरी लैब के अंदर भाई कुछ लिक्विड सा बिखरा हुआ पड़ा है, ये ग्रीन ग्रीन सा, लेकिन आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, मैं जानता नहीं उसके बारे में। लेकिन सामने से ये कोई आ रहा है गाइस, गाइस सामने से कोई आ रहा है, पता नहीं वो कौन है भाई, पता नहीं वो कौन था भाई, वो तो हीरो ब्रैन से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। यार ये कौन है पता नहीं, ये यार आई थिंक ये काफ़ी डेंजर बंदा है, एंड मैंने कभी इसको देखा नहीं है पहले, तो मेरे को और भी अजीब लग रहा है भाई। लेकिन ये है कौन गाइस, क्या आप लोग जानते हो इसको, और अगर आप लोग इसे जानते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ ये है कौन। लेकिन चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ अपनी गन इसको मारने के लिए। सो मैंने यहाँ से अपनी गन निकाल ली है, एंड अब मैं अपनी गन से इसको बहुत ही ईजिली मार दूंगा, और देखना आप लोग अभी एक मिनट के अंदर। लेकिन रुको भाई, इसको मेरी गन के सामने आने दो आप लोग, एंड गन के सामने आते ही मैं इसको एक ही बार में इतना मारूंगा, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले भाई, अब तू नहीं बचेगा बेटा, तू मतलब बहुत ही हीरो बनना है ना। ओबे गाइस मुझे लग रहा है ये एक ही दूसरा हीरो ब्रैंड है, मुझे लगता है ये हीरो ब्रैंड का भाई जीरो ब्रैंड है, लेकिन नहीं यार ये कोई मेरे को और ही लग रहा है। लेकिन गाइस एनीवे इसको मारना तो पड़ेगा, हीरो ब्रैंड भाई तू मार दे इसको, हीरो ब्रैंड तो कुछ भी कर सकता है भाई, इसको मार दे बहुत ही ईजिली। ओके हीरो ब्रैंड कुछ तो कर रहा है, वाओ भाई हीरो ब्रैंड ने अपनी पावर दिखाई और ऊपर से सैंड से उसको मार दिया। मतलब यार हीरो ब्रैंड तो हीरो ब्रैंड है, उसके कुछ कंपैरिजन है ही नहीं। सो गाइस हम लोग फाइनली बच गए हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी लेवल कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन वेट मेरे को लगता है अभी एक लेवल इनकम्प्लीट है, वो जो कि है ये क्वेश्चन मार्क वाली, लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर गए नहीं है क्वेश्चन मार्क के अंदर। सो क्या हम लोगों को इसके अंदर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि हम लोग, ओ वेट यहाँ पर वही SCP आ चुका है भाई, अब क्या करें हम लोग यार। गाइस ये दोबारा आ गया SCP।
हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। लेकिन रुको यार, ये बाहर क्या हो रहा है? अभी ये बाहर कौन है? रुको देख के आता हूँ भाई, बाहर को क्या हो रहा है ये? यार ये बाहर हो क्या रहा है भाई? लिटरली मैं अपने घर में हूँ लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। ये क्या, विलेजर की लाश? यार इसको किसने मारा? इतनी बुरी तरह किसने मारा इसको यार, लिटरली। और ये क्या, एक और? यार हमारे विलेजर वासियों को कौन मार रहा है? इतना बड़ा भाई बेरहम कौन आ गया हमारे वर्ल्ड में? कोई बताएगा मेरे को प्लीज, कौन है ये? अबे मिनियन, अभी तो पुलिस है भाई। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात मानो पुलिस, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज मेरी बात मानो, मैं सिर्फ यहाँ पे देखने आया हूँ। गाइस पुलिस को लग रहा कि मैंने किया है सब कुछ, ये मर्डर वगैरह, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा वो मेरे को पकड़ नहीं रही है भाई, लगता ही मेरे को पकड़ लेती यार। अबे पुलिस, मैंने कुछ नहीं किया है सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अबे यार गाइस, यार पुलिस वालों ने मेरे को अंदर बंद कर दिया। मतलब मैं उनसे इतना बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट मानने को राजी नहीं है, तो मैं क्या करूँ यार। लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा यार, कुछ करना पड़ेगा मेरे को लिटरली। मतलब बेफालतू की, मतलब गलती के बिना भी इंसान फंसता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बाहर कोई है क्या? ओ मेरी बर्ड, और आज तो मुझे मेरी बर्ड बचाएगी, पक्का बोल रहा हूँ। बर्ड प्लीज हेल्प मी। ओके तो बर्ड मेरी लेके आ चुकी है पिकैक्स, तो मैं इससे यहाँ पे माइन कर सकता हूँ। थैंक यू बर्ड, थैंक यू, बाय बाय, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, चलो बाहर ही मिलते हैं, ठीक है बर्ड? ओके गाइस, बर्ड ने बर्ड को मैंने थैंक यू बोल दिया है, और मैं अभी यहाँ से माइन करके निकलने वाला हूँ। ओके ये देखो रास्ता कितना बढ़िया है, और मैं यहाँ से इजीली भाग सकता हूँ। सो लेट्स गो, इससे पहले कि पुलिस को पता लग जाए कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ, फटाफट निकलते हैं। लेकिन रुको एक मिनट गाइस, यहाँ पर ये कौन है? ये तो एक मिनियन है, लेकिन यहाँ पर इसकी डेथ बॉडी पड़ी हुई है। और ये कौन है? सोनिक, ओ रेड सोनिक, यहाँ पे क्या कर रहा है ये? गाइस यहाँ पे सोनिक भी है। अबे मैं तो फंस गया उल्टा यहाँ पे आके यार। वो देखो वो यहाँ पे आ भी रहा है यार, मैं यहाँ पे आके उल्टा फंस गया। मैं क्या करूँ यार, ये सोनिक मेरी तरफ क्यों आ रहा है? और पुलिस वाले भी जाग चुके हैं, और उन लोग को पता लग गया कि मैं वहाँ से भाग गया हूँ गाइस, और अब वो मेरे पीछे आ रहे हैं, और ऊपर से ये सोनिक भी है। लेकिन यहाँ पे क्या सोनिक की और पुलिस वालों की फाइट हो रही है? हाँ गाइस, सोनिक की और पुलिसमैन की फाइट हो रही है यहाँ पे, देखो। अरे भाई क्या फाइट हो रही है लिटरली, ओ माई गॉड, अबे बहुत ही इनसेन फाइट हो रही है, मजा आ गया भाई। लेकिन ये सोनिक हमारी तरफ ही क्यों आ रहा है? नो सोनिक, हमको छोड़ दे यार सोनिक। यार पता नहीं ये सोनिक कहाँ से मिल गया मेरे को, मतलब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अबे सोनिक प्लीज छोड़ दे यार, लीव मी ब्रो, लीव मी। ओ नो, क्या करूंगा मैं तो वहीं अपने विलेज में आ चुका हूँ यार दोबारा से। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा यार सोनिक, ओ इस घर में चलते हैं, इस घर में तो कोई भी नहीं, चलो इसकी। ओ एलेक्स, एलेक्स फटाफट उठ जा एलेक्स, बाहर देख कौन आया है, सोनिक आया हुआ है बाहर, उठ जा एलेक्स, सोती रहेगी क्या? हाँ बाहर देख सोनिक आया हुआ है यार, वो पता है मेरे पीछे बहुत देर से मेरे को मारने के लिए पड़ा हुआ है, पता नहीं उसे गुस्सा आ रहा है, एंड वो मुझे बाहर में, वो देखो विंडो पे आ चुका है सोनिक हमारी। अब क्या करें यार, कहाँ भागें? ये क्या है, सीक्रेट बेसमेंट, चलो इसी के अंदर भागते हैं, फटाफट से बंद करता हूँ उसको, चलो निकलते हैं यहाँ से एलेक्स जल्दी से। अच्छा वो तुमने मेरे को बचा लिया एलेक्स, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने ये सीक्रेट बेसमेंट से मेरे को बचा लिया। एंड यहाँ पे ये कहाँ आ चुके हैं हम लोग भाई? ये तो एक सीक्रेट केव है यार, वैसे ये इतनी सुनसान और इतनी खतरनाक सी क्यों है यार? नीचे तो बहुत ही खतरनाक है यार ये तो। एलेक्स क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं? ये कौन आ रही है? अभी तो मकड़ी आ रही है पीछे से, अरे बचो इससे, ये मकड़ी कहाँ से आ गया है? इतनी बड़ी स्पाइडर, अबे भाई क्या ही जाइंट स्पाइडर है लिटरली यार, इसको देख के मैं डर गया। और सामने एक पोर्टल है, एंड यहाँ हमारा दोस्त भी है निंजा, और आई थिंक ये निंजा इस मकड़ी को मार देगा, देखते हैं क्या होता है। सो निंजा प्लीज इसको किल कर दे भाई, मार दे इसको, तू इसको मार सकता है। तो निंजा क्या मार पाएगा इसको? निंजा भाई तुम कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम निंजा भाई, डू इट ब्रो डू इट। यार निंजा तुमसे फाइट नहीं हो पा रही यार। लेकिन एलेक्स यार हम लोग को यहाँ से भागना चाहिए। एलेक्स कहाँ गई तू? वो भी बच के रहा यार यहाँ पर। ओ क्या हम लोग यहाँ भाग सकते हैं? वाओ मतलब हम तो यहाँ भाग भी सकते हैं, भागो फटाफट यहाँ से यार। वैसे ये जो मकड़ी है वो, ओ इस मकड़ी ने मेरे दोस्त को मार भी दिया है। एलेक्स हम लोग फंस गए यहाँ पे, जल्दी यहाँ से निकल एलेक्स, फटाफट निकल, भाग यहाँ से। भाई यार कोई मेरे को बताएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं? भाई लगता है मेरी जिंदगी में कोई भी मतलब अच्छा काम मैंने नहीं किया होगा इसीलिए। अभी ये स्पाइडर तो यहाँ पे आ चुकी है, और ये जाइंट है। अबे मैं क्या करूँ
एलेक्स मेरे को कुछ कर। ओ गन, वाओ एलेक्स, अब तो मैं इसको मार दूंगा फाइनली। ओके चल निकल यहाँ से। अबे मकड़ी की बच्ची, मतलब गाइस एक मकड़ी ने एक स्टीव को ललकारा तो भाई स्टीव ने उसको गन से मारा। तो गाइस सिंपल सा रूल है भाई, तो आप जो चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। सो दोस्तों आपके भाई ने वहां मकड़ी को मार के मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ, लेकिन 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 यहाँ पे हमको दिखाई दिया है पता है क्या, ये देखो डॉलर का साइन, इसका मतलब होता है भाई छप्पर फाड़ के पैसे। चलो दबाते हैं लीवर को, लीवर है यहाँ पे, क्या मिलता है भाई पहली बार में। अरे वाह, गोल्ड मिल गया भाई, वो भी बहुत ही बढ़िया वाला, एकदम प्योर है भाई। एक बार दोबारा करते हैं, ओबे इस बार तो डायमंड मिल रहे हैं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, लगता है ये कोई मैजिक है, भगवान हम पे बहुत ही खुश हैं। अब क्या मिलेगा भाई, ओबे तेरी तो कैश, ओबे मोटा मोटा कैश मिल गया, डॉलर ही डॉलर भाई, मजा आ गया भाई। मैं कल जा रहा हूँ एक कार लेने के लिए माइनक्राफ्ट में, और अब ये कौन आ गया भाई, स्कैरी मिनियन, व्हाट भाई ये क्या है, WTF अब ये है क्या भाई। अबे निकलो यहाँ से फटाफट, जल्दी निकलो यहाँ से एलेक्स। अबे यार मैंने मना किया था कि मत लो डायमंड, मत लो पैसे, लेकिन नहीं पैसे लेने हैं भाई, मतलब पैसों के चक्कर में कर लिया ना अपने नुकसान। अब पीछे पड़ गया हमारे एक और खतरनाक सा मिनियन, अब वो हमको मार के छोड़ेगा। मिल गया मतलब मिटाली पैसों की भूख भाई, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो पीछे हमारे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको मारना फटाफट मारो। वैसे पैसा तो मैंने ही लिया यार, हाँ छोड़ो कोई बात नहीं पैसा मैंने नहीं लिया भाई, पैसे मैं तो सिर्फ ऐसे गया था वहाँ पे, लेकिन भाई आने दो उसको अंदर फटाफट से। अबे चलो हम लोग घर में आ गए दोस्तों, लेकिन अभी भाई सारा देखते हैं चेस्ट में क्या है। यार चेस्ट में मिल चुका है कुछ खाने के लिए, अच्छा वो मिल गया, वरना मैं तो अभी भूख से मरता भाई, भूख से मतलब वैसे ही तो भूख से मरता मैं। लेकिन चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं यहाँ पे कौन आ रहा है। अबे ये देखो बिल्कुल ही पास में आ चुका है ये मिनियन, लेकिन मैं इसको अपने खतरनाक से एरो से मार सकता हूँ क्या, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन आई थिंक ये मरेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस बच ओ भाई, ओबे भाई, ओबे भाई मरता क्यों नहीं है, प्लीज 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 रहम कर दे हमारे ऊपर, प्लीज मर जा प्लीज। ओके लिटरली वो मर चुका है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए वीडियो को लाइक मारो फटाफट से लाइक मार दो। लेकिन रुको यहाँ पे विच आ चुकी है, विच, और अब ये क्या कर रही है यहाँ पे विच, विच क्या करना चाहती हो, प्लीज विच आंटी, विच आंटी प्लीज हमें छोड़ दीजिए आंटी। ओ उसने एलेक्स को बेहोश कर दिया, अबे विच तुम करना क्या चाहती हो, अरे मुझे छोड़ दो विच प्लीज यार। अबे उस चुड़ैल ने मेरे को पकड़ लिया था, और एलेक्स ये देख हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, लावा के बीचों बीच, और थोड़ी सी भी गलती करी तो सीधे लावा के अंदर मिलेंगे। लेकिन देखो हमारे सामने विच भी खड़ी हुई है, लगता है ये बहुत ही गुस्से में है, लेकिन ये करने क्या वाली है यहाँ पे भाई, ये हमारे साथ करना क्या चाहती है पता नहीं हमको यहाँ पे खड़ा करके। और वहाँ से एक विलेजर आ रहा है, उसी के पास आ रहा है विलेजर विच के पास, लेकिन ये इसके साथ क्या करेगी पता नहीं, क्या करी इसके साथ ये। ओके तो उसने तो अभी कुछ भी नहीं किया है उसके साथ, लेकिन पक्का कुछ तो होने वाला है गाइस जो मैंने कभी सोचा नहीं होगा। एंड यहाँ पे हाँ सामने एक मशीन भी है जो कि मैंने नोटिस नहीं करी, आई थिंक इसके अंदर जाने के बाद कुछ तो होने वाला है, विलेजर उसके अंदर गया है मशीन के अंदर, देखते हैं ये क्या बनता है। ओबे तेरी तो, ये तो एक सोनिक बन गया भाई। अरे यार एलेक्स अब क्या करें बता, अब क्या करें, हमें भागना पड़ेगा एलेक्स, वरना ये हमको लावा के अंदर गिरा देगा एलेक्स, कुछ करना पड़ेगा एलेक्स, क्या करें यहाँ पे। ओ नूब ब्रो हेलो, आई एम हेयर नूब, नीचे देख नीचे भाई, नूब मैं नीचे हूँ भाई, बचा मेरे को प्लीज यार। अब तो नूब हमारी हेल्प करेगा, अब तो भाई हम लोग बच जाएंगे, तो नूब भाई देखते हैं क्या करता है। वैसे नूब भाई यहाँ पर हूँ मैं फटाफटा, यहाँ पे एक पत्थर लगा और हमको निकाल, अरे वाह नूब, अभी रुक मेरे को तो निकाल ले भाई, मैं कह तेरा दुश्मन हूँ, चल भाई चल निकाल लिया तूने, चल बहुत ही अच्छी बात है हम लोग निकल चुके हैं। चलो ओ सोनिक ऊपर से हंस रहा है भाई, जल्दी भागो यहाँ से यार, भागने का टाइम भी हो चुका है, वरना अब सोनिक हमको पकड़ लेगा भाई, जल्दी निकलो यहाँ से, हम लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ से निकल के आए हैं यार, अगर नूब नहीं आता ना तो शायद हम लोग वहाँ से बाहर निकल नहीं पाते, लेकिन नूब ने हमारी जान बचा ली है। लेकिन वो सोनिक अभी भी हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें भाई, ऊ भाई सोनिक प्लीज हमको छोड़ दीजिए सोनिक सर। यार ये सोनिक पता है ये इससे मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि भाई ये अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। अबे नहीं, अरे मत छोड़ दे भाई, अबे चाहता क्या तू बेवकूफ।